नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ना खबर ब्रेकिंग न्यूज है, यूपीपीएससी से न्यूज है। और यूपीपीएससी की न्यूज ये है कि पीसीएस के 2019 में 185 पद बढ़ गए हैं। तो आइए दोस्तों, पूरी न्यूज का एनालिसिस कर लेते हैं, कौन कौन से पद बढ़ाए गए हैं और क्या है पूरी न्यूज, इसको जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था और पहले भी मैंने भी बताया था आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि वीडियो के पद खाली पड़े हुए हैं और नायब तहसीलदार के काफी पद खाली पड़े हुए हैं। तो वीडियो के 35 और नायब तहसीलदार के 150 पदों को इस भर्ती में जोड़ दिया गया है। और इस भर्ती के ये जो पदों की संख्या है ये अभी भी अंतिम नहीं है। जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ भी पद इसमें जोड़े जा सकते हैं। और प्री का रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो प्री का रिजल्ट जो है इसका फरवरी में आने की उम्मीद है, और फरवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद इसकी मेंस की परीक्षाएं होंगी। तो दोस्तों, इसमें देखें डिटेल्स में लिखा हुआ है कि वीडियो के 35 और नायब तहसीलदार के 150 पद बढ़ाए गए। पहले 309 पद थे, अब पदों की संख्या 494 हो गई है। और इसकी जो वैकेंसी आई थी 16 अक्टूबर को पीछे 2019 का विज्ञापन निकाला गया था। प्रारंभिक परीक्षा 15 दिसंबर को हो चुकी है और इस बार मुख्य परीक्षा के लिए 18 गुना की जगह 13 गुना अभ्यर्थी ही लिए जाएंगे। दो विषय भी इसमें कम कर दिए गए हैं। पहले 33 विषयों पर परीक्षा होती थी मेंस की, अब केवल 29 विषयों पर होगी। चार विषय कम किए गए हैं, जिसमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय कम किए गए हैं। एक तो समाज कार्य, रक्षा अध्ययन और सोशल वर्क, ये दो इंपॉर्टेंट विषय कम किए गए हैं। इसके अलावा अरबी, फारसी, कृषि अभियांत्रिकी जैसे विषय भी हटाए गए हैं। तो दोस्तों, छात्र काफी दिन से इसका विरोध कर रहे थे कि ये विषय क्यों हटाए गए हैं, क्योंकि रक्षा अध्ययन एक ऐसा विषय है जिससे बहुत सारे लोग मेंस की परीक्षा में बैठते हैं। खैर, अब ये गुड न्यूज है कि पदों की संख्या जब 185 बढ़ गई है तो क्वालिफाई करने वाले पदों, प्री को क्वालिफाई करने वाले लोगों की संख्या और बढ़ेगी और जॉब भी और लोगों को मिलेगी। तो दोस्तों, बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ यूपीपीएससी की अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।